मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह अंसारी इस बार मोहम्मदाबाद सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शुक्रवार को मोहम्मदाबाद सीट से वह नामांकन दाखिल कर अपने दो प्रस्तावकों के साथ पहुंचे और अपने नामांकन सक्षम अधिकारी के सामने दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ ही उनके समर्थक भी वहां मौजूद रहे। बीते वर्ष उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा से लड़ने की चर्चाओं को बल दे दिया था। इस बार मुख्तार अंसारी को जहां सुभाषपा ने मऊ सदर से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी ओर गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्लाह को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर चुनाव के मैदान में उतारा है। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को साझा तौर पर अलग अलग विधानसभा सीटों से उम्मीदवार बनाया गया है। गाजीपुर में मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर दर्जी मोहल्ला निवासी नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रहे सौ काजी सुबहानुल्लाह अंसारी के बड़े पुत्र सिबगतुल्लाह अंसारी नगर के डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज से प्रधान लिपिक पद से सेवानिवृत्त होकर सक्रिय राजनीति में आए। पहली बार मझले भाई सांसद अफजाल अंसारी की खाली सीट मोहम्मदाबाद विधानसभा से वर्ष 2007 में सपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद दोबारा 2012 में सांसद अफजाल अंसारी के बनाए कौमी एकता दल से चुनाव भी जीते। वर्ष 2017 में बसपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन भाजपा प्रत्याशी अलका राय से चुनाव हार गए।